कुछ दिनों पहले आसनसोल के कुमारपुर इलाके में स्थित एक निजी होटल में रोहन नामक एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। कुछ लोग इसे हत्या तो कुछ लोग इसे आत्महत्या का मामला मान रहे थे। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि रोहन होटल के उस कमरे में किसी एक लड़की के साथ ठहरा हुआ था। घटना के बाद से ही रोहन के परिवार वाले उस लड़की को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार उस लड़की को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। आज उसे आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि लड़की से पूछताछ के बाद रोहन की संदिग्ध अवस्था में मौत की गुत्थी सुलझ जाएगी। क्या हुआ था, क्या हुआ था, है? कैसे हुआ था ये? कैसे हुआ घटना? बोल रहा बोलना। आप थे उस समय रूम में? थे आप? क्या हुआ था? आप रूम में थे? मैडम क्या हुआ था उस दिन? पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से आसनसोल में उर्दू एकेडमी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मंत्री मलाय घटक, डिप्टी मेयर वसीमुल हक तथा उर्दू एकेडमी से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित हुए थे। यहां पर उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार पर चर्चा हुई। इस मौके पर मलाय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में पूरे पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषा की तरक्की के लिए जो काम किया गया है वे कभी नहीं किया गया। सिर्फ उर्दू भाषा की तरक्की नहीं, लेकिन उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि ये उर्दू एकेडमी रेल पार इलाके में स्थित है, यहाँ पर बड़ी संख्या में उर्दू भाषी लोग हैं। ममता बनर्जी की सत्ता में आने से पहले यहाँ पर ना तो उर्दू के विकास के लिए कोई कदम उठाए गए थे और ना ही यहाँ के लोगों का ही विकास हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद यहाँ पर लोगों के विकास के साथ साथ उर्दू के प्रचार प्रसार में भी गति आई है। उन्होंने कहा कि इस उर्दू एकेडमी को यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की कि वे उर्दू एकेडमी और उर्दू के प्रचार में अपना योगदान दें। एकेडमी का जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जिसके लिए बनाया, ये आप लोग का लिए है। आप इसको यूटिलाइज कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ पढ़िए, बढ़िया से आप लोग अपना अगला दिन अपना जिंदगी को बनाइए। इतना ही कहते हुए सबको मेरा तरफ से सलाम। बहुत सारे जैसे वो जाहिर करते कोशा इसमें है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। हर कोशिश किया कि हर आदमी की दिलचस्पी के बाइस बने ये प्रोग्राम। मैं शुक्रगुजार हूँ, मकाम ऊंचा नहीं होगा जितना भारत रत्न का होगा। उसी तरह से महबूब अनवर अवार्ड का भी एकेडमी जो उनका नाम के इंतखाब उनके नाम का इंतखाब जो हुआ है, इसी सोच के देखिए वो सबसे हर दिल अजीज शख्सियत थे इस इलाके के और वाकई बड़े अदीब थे। हमारे फंक्शन सब कमेटी के चेयरमैन जवाब था कि उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम मुनक जो है सिर्फ कलकत्ता तक महदूद थी। उर्दू एकेडमी का साथ ऑफिस दफ्तर जो भी था वो कलकत्ता में महदूद था, लेकिन ये इस हुकूमत में हम सब लोग शुक्रगुजार हैं, हम सब एहसान मंद हैं अपनी वजीर आला ममता बनर्जी का, जिन्होंने मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का बंगाल की इस आसनसोल के शहर में जहां उर्दू वालों की एक आबादी है और इस्लामपुर में जहां पे 2 शाखें कायम किया है। और आसनसोल की जानिब से हम लोग ये मुमकिन उस वक्त हो सका जब हम लोगों ने यहां से अपनी सबकत प्यार मोहब्बत जनाब मलाय घटक के साथ देकर के अपनी नुमाइंदगी करने के लिए जब उन्हें असेंबली में पहुंचाया तो उन्होंने इस आसनसोल सुवाल के लोगों के लिए एक तोहफा आसनसोल में मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का साथ का ये इमारत कायम किया।